सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है दोस्तों आप सभी के। दोस्तों आप सभी का मैं इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्यार बनाए रखना। दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे, तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि आपको और भी नई नई जगह दिखाता रहूँ सूरत की जो भी फेमस है। तो जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर पानेरा पहाड़ी दिखाई थी, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का किला दिखाया था। तो दोस्तों मैं अभी वलसाड़ में हूँ, इस टाइम मेरे को यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ तीथल बीच, जो कि सूरत का बहुत ज़्यादा फेमस बीच है। उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा साईं बाबा का मंदिर है यहाँ पर, उसके बाद स्वामीनारायण का भी मंदिर है। तो पहले हम चलेंगे साईं बाबा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना जी, के मंदिर चलेंगे, वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे, फिर चलेंगे तीथल बीच, उसके बाद चलेंगे स्वामीनारायण मंदिर, फिर वहाँ से आपको सारा नज़ारा क्लियर दिखाने वाले। समझ रहे हो ना। तो ये सूरत, ये वलसाड़ सिटी से हम इस रास्ते से भी हम लोग आए थे, और एक रास्ता ये है, ये भी वलसाड़ वो जा रहा है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ से तीथल बीच और साईं बाबा मंदिर के लिए जा रहा है इस तरह रास्ता, और एक इधर जा रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं साईं बाबा का मंदिर, ये मेन गेट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं मंदिर की जो सुंदरता को, आप खुद समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अभी हम गाड़ी को पार्क करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं सीधा, यहाँ से रास्ता दिया हुआ गाड़ी पार्क करने का। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं मंदिर के पास, और ये पूरा मंदिर का नज़ारा है, यहां पर पूरा पार्किंग का एरिया है, यहां पर हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है, और अभी हम चलेंगे सीधा अंदर की तरफ, और वहां का जो नज़ारा आपको क्लियरली दिखाएंगे, और साईं बाबा के दर्शन भी आपको कराएंगे जहाँ तक परमिशन मिलेगी। तो नहीं तो आपको बाहर से पूरा दर्शन करा देंगे, क्योंकि भगवानों के स्थल तो ऐसे कि हम लोग बाहर से भी अगर देख लेते तो हमारा जो धन्य हो जाते हैं हम, और वैसे हम पवित्र हो जाते हैं। तो देखते हैं, अगर कोशिश करेंगे, अगर मोबाइल अंदर ले जाने की परमिशन मिलेगी तो अंदर से करेंगे दर्शन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये मंदिर की शायद पानी की टंकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है जलधारा, और यहाँ पर सत्संग भवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है सत्संग हॉल, श्री श्री साई बाबा संस्थापन तीर्थल, यहाँ पर आप देख सकते हो सफाई का काम चालू है। और कितनी प्यारी जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुकून है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, रोज साफ सफाई देख सकते हैं, यहाँ पर रहने का भी स्थान दिया हुआ है। दोस्तों ये तीथल बीच, सॉरी साईं बाबा का जो मंदिर है, बिल्कुल समुद्र के जस्ट किनारे ही है। आप यहाँ से सामने देख पा रहे होंगे, वहाँ पर पूरा समुद्र यहीं से दिखाई दे रहा है, और यहाँ का जो नज़ारा है आप देखिए खुद ही, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्ले ग्राउंड दिया है बच्चों का, जैसे झूले वगैरह यहाँ पर सब गार्डन वगैरह दिए हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। और ये सामने साईं बाबा का मंदिर है, जिसका नज़ारा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो आप दोस्तों इसी प्रकार से हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 2-3 मंदिर है, और मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ अच्छे से। और यहाँ पे ये ग्राउंड है, और गार्डन भी दिया हुआ है, और खेलने की सारी चीज़ें हैं बच्चों के हिसाब से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सामने ही समुद्र का किनारा है। अब दोस्तों आप ये सामने देख सकते हैं, ओम बना हुआ है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंदिर बहुत ही काफ़ी बड़ा है, पूरा मंदिर घुमाऊंगा मैं आपको अभी। और ये सामने है मंदिर का नज़ारा साईं बाबा का, अंदर चलेंगे अभी, आप देख सकते हैं दोस्तों मंदिर का नज़ारा कितना प्यारा है। अभी मतलब ऐसा है, धूप बहुत ही ज़्यादा धूप है यहाँ पर, आपको खुद अंदाज़ा लगा रहे होंगे, लेकिन क्या थोड़ा समुद्र किनारा नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सुकून है, गर्मी इतनी नहीं लग रही है फिर भी। तो हम चलते हैं मंदिर की तरफ, और ये मंदिर का नज़ारा है, साईं बाबा का मंदिर है। तो ये अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। ये देख सकते हैं आप मंदिर का पूरा नज़ारा आप किस प्रकार का है। तो अभी हम मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं, मैं और शैलेंद्र दोनों, और साईं बाबा जी के आपको दर्शन करा देते हैं। ये देखिए सिल्ली वाले साईं बाबा, ये मंदिर है बहुत ही प्यारा। ये आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा नज़ारा। यहाँ पे पूछेंगे मंदिर के बारे में, किसी के बारे में, यहाँ पे मंदिर जो बनाया हुआ है किसी से पूछेंगे इसकी स्थापना क्या है। दोस्तों मैंने आपको साईं बाबा के दर्शन करा दिए, अभी मंदिर का पूरा परिक्रमा पूरा कर लेते हैं,
और भी जो भी जगह है वो भी आपको दिखाता हूँ। और मंदिर के बारे में किसी को पूछेंगे यहाँ पर साईं बाबा का जो मंदिर बना हुआ है, क्या भगवान की क्या स्थापना थी यहाँ पर, जो यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है दोस्तों। दोस्तों मैंने पुजारी जी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा माना जाता कि कभी साईं बाबा थे वहाँ पर, मतलब आया करते थे यहाँ पर, कोई मतलब स्थान था यहाँ पर साईं बाबा का यहाँ पर, तो उसी के ऊपर ये मूर्ति बनाई, इस मंदिर बनाया हुआ है साईं बाबा का। तो वैसे कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं था मंदिर में, फिर मैंने परमिशन ली थी, वहाँ पर लिखा हुआ भी था साफ साफ, फिर मैंने आपको जो वीडियो बना के दिखाई, भगवान जी के दर्शन किए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और अभी एक मंदिर और है, वहाँ के दर्शन आपको करा देता हूँ। और जो नज़ारा है ना दोस्तों, आपको यहाँ का जो नज़ारा है दोस्तों बहुत ज़्यादा सुकून भरा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा नज़ारा है यहाँ का, देखिए दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं एक मंदिर ये भी है, ये है श्री द्वारका माई जी का मंदिर है, यहाँ पर भी आपको एक दर्शन करा देते हैं, अंदर जाके देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री द्वारका माई। बहुत ही मतलब पवित्र स्थल है, यहाँ पर कभी आइए परिवार के साथ घूमने के लिए दोस्तों। वलसाड़ में कई सारे ऐसे जगह हैं घूमने लायक, तीर्थ स्थल हैं कि आप अपने फैमिली के साथ में आ सकते हैं घूमने के लिए, और उनको सारी जगह घुमा सकते हैं ये। तो इसमें चारों तरफ रास्ता बनाया हुआ है, वो मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हिरन, डॉगी है, गिलहरी है, और ये बकरी है, उसका स्टेचू बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये गार्डन की सुंदरता आप खुद ही समझ सकते हैं, खुद देख सकते हैं कितना सुंदर गार्डन है ये, चारों तरफ से आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी तो क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है, मुझे तो घूमा भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन आपको एक बार चारों तरफ की परिक्रमा करके दिखा देता हूँ, यहाँ का जो मंदिर है कैसा मंदिर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का नज़ारा आप देखिए। तो दोस्तों अभी हम लोग नंगे पाँव आए हैं, जूते हमारे वहाँ पर रखे हुए थे, आप देख सकते हैं मेरे तो पैर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, एंड हो गया यहीं तक ही है बस, यहाँ से पहन के जूते चलते हैं, ये देख सकते हैं। और ये सामने आप समुद्र देख सकते हैं दोस्तों, समुद्र का पानी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ का जो बीच है ना, बहुत ही सुंदर बीच बताया गया है, अंदर चल के देखेंगे अगर नहाने लायक होगा तो भाई हम लोग तो नहा लेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है वैसे भी। और ये देखिए दोस्तों, तो अभी हम इस तरफ से आए थे और यहाँ पर यह समुद्र का बीच ही देख सकते हैं आप, इसको तीथल बीच बोलते हैं। ये है वो नज़ारा समुद्र का, यहाँ सब खाने के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं आप दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है बीच, इसको तीथल बोलते हैं। और यहाँ से सीधा रोड जा रहा है, वो सीधा सामने तीथल बीच है, वहाँ पे साईं स्वामीनारायण का मंदिर भी उस साइड आ गई है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों ऐसा नज़ारा है इधर का, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। और अभी तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है हमें समुद्र के किनारे आके, थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा था, पसीने के मारे हम लोग झकाझक हो चुके थे इस टाइम। और ये सब खाने के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, आपको खाने का बहुत सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सब लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, जैसे कि आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे। अभी तो थोड़ा दोपहर ही है, दोपहर का टाइम है और थोड़ा गर्मी भी थी इसके लिए। और मैंने आपको साईं बाबा के मंदिर का दर्शन कराया, मंदिर के जस्ट बाजू में इसका रास्ता दिया हुआ, तो आप यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं, पूरा दरिया का नज़ारा आप कैसा है ये। यहाँ पर ज़्यादातर आपको मक्खी भेल ये सब नारियल पानी ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं सारे के सारे। आई होप दोस्तों आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी किसी आपको नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तब तक अपना और अपने बारे का ख्याल रखना दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। चलिए एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के।